श्रीलंका के खिलाफ T20 और टेस्ट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हुआ है। BCCI के सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेस्ट टीम और T20 टीम का ऐलान किया। विराट कोहली की टेस्ट कप्तानी के इस्तीफे के बाद रोहित शर्मा को भारतीय टेस्ट का भी नया कप्तान बनाया गया है। रोहित के बारे में चेतन शर्मा ने क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ T20 और टेस्ट टीम में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है। T20 squad first. The T20 squad like this: Rohit Sharma, captain; Rituraj Gaikwad; Ishan Kishan, wicketkeeper; Surya Kumar Yadav; Suresh Iyer; Venkatesh Iyer; Deepak Hooda; Jasprit Bumrah, vice captain; भुवनेश्वर कुमार; दीपक चाहर; हर्षल पटेल; मोहम्मद शिराज; संजू सैमसन, विकेटकीपर; रविंदर जडेजा; युजविंदर चहल; रवि बिश्नोई; कुलदीप यादव एंड Avesh Khan. This is 18 altogether, and team for the test match as follows: Rohit Sharma captain, Mayank Agarwal, Prank Panchal, Virat Kohli, Suresh Iyer, Hanuma Vihari, Shubman Gill, Rishabh Pant, KS Bharat, both are wicket keepers, Pant and KS Bharat, Ravichander Ashwin, subject to fitness, Ravinder Jadeja, Jayant Yadav, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, vice captain, Mohammad Shami, Mohammad Shiraz, Umesh Yadav, एंड सौरव कुमार। विराट कोहली ने इस साल जनवरी में टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से इस्तीफा दिया था और इसके बाद भारतीय टीम पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलेगी। रोहित शर्मा को T20 और वनडे के बाद अब टेस्ट टीम का भी कप्तान बनाया गया है। रोहित को टेस्ट कैप्टन बनाने के पीछे टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स की क्या सोच थी वो भी चेतन शर्मा ने बताया। जहां तक रोहित शर्मा का सवाल है, देखिए रोहित शर्मा इज नंबर वन क्रिकेटर ऑफ आवर कंट्री and सबसे important है all three formats he is playing and the most important with Rohit is कि हमें how we manage Rohit and आजकल सभी cricketers they are professional they know their body they manage their body now Rohit is absolutely there is no problem at all time to time definitely Rohit के साथ हम लोग चर्चा में रहेंगे and हमने जब बात की तो he's absolutely okay और इतना बड़ा क्रिकेटर अगर आगे आते हैं इतना एक्सपीरियंस प्लेयर अगर आपके कैप्टन बनता है तो ऑटोमेटिकली जो बातें चल रही हैं जो हम भी चाहते हैं एज ए सिलेक्शन कमेटी कि हमारे जो ग्रूमिंग करनी है जो हमें कैप्टन्स को ग्रूम करना है अंडर रोहित शर्मा विल बी अ ट्रेमेंडस थिंग फॉर अस। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की लंबे समय बाद वापसी हुई है। चोट से उभर कर वापसी करने वाले रविंद्र जडेजा पर चीफ सिलेक्टर ने क्या कहा सुनिए। देखिए जहां तक जडेजा का सवाल है, जडेजा इज एब्सोल्युटली फिट। जब तक फिट नहीं थे हम सेलेक्टर्स ने टीम में उनको सेलेक्ट नहीं किया। नाउ ही इज एब्सोल्युटली फिट, ही इज एसेट एज एन ऑलराउंडर। बहुत मिस करते हैं हम लोग, हमने किया भी है रविंद्र जडेजा को मिस। तो नाउ ही इज फिट एंड आई एम वी आर होपिंग कि जिस दिन बॉल पकड़ के गेंदबाजी करें और अपने बैटिंग करें। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कैप्टेंसी करने वाले हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही टीम से बाहर हैं और खराब फिटनेस की वजह से ही हार्दिक टीम में नहीं है, लेकिन इस बीच वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे। हार्दिक पांड्या पर चीफ सिलेक्टर ने क्या कुछ कहा सुनिए। हार्दिक का क्या है, डेफिनेटली हार्दिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे इंडियन टीम के। अभी आफ्टर द इंजरीज इतना अभी हम लोग ये कहेंगे जब तक वो 100% फिट नहीं होते हैं, जब तक हमारे पास ये
चीज नहीं आती कि ही इज 100% फिट, रेडी टू गो, ही इज बोलिंग एंड मैच फिटनेस सारा कुछ हमारे सामने आएगा. डेफिनेटली ही इज अ इम्पोर्टेंट प्लेयर, तो वी विल कंसिडर हिम इमीडिएटली. हार्दिक है, देखिए आप हार्दिक से पूछ सकते हैं कि हार्दिक रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेल रहा. हम तो उनको देख रहे हैं जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो खुशी होती है हमें रणजी ट्रॉफी देखने के लिए और जो लड़के परफॉर्म करते हैं. पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं. इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ.